गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड, चैप्टर 9 फ्रैक्शंस चल रहा है और एक्सरसाइज 1 आपको 21 डेट में होमवर्क में दी गई थी। आज हम एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 करेंगे। शेड वन हाफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। वन हाफ मैंने आपको बताया था किसी भी होल फिगर के टू इक्वल पार्ट्स करना। तो ये जो फिगर्स दी गई हैं इनका वन हाफ आपको शेड करना है। एक एग्जाम्पल मैं करके बता रही हूँ, बाकी आप होमवर्क में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सर्कल का वन हाफ हम शेड करेंगे, तो कोई भी एक पार्ट हमको शेड करना है इस तरह से। ऐसे ही आप बाकी की सारी फिगर्स का वन हाफ शेड करेंगे। सर, थर्ड क्वेश्चन है, शेड वन थर्ड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। शेड वन थर्ड, वन थर्ड मतलब किसी भी होल फिगर के थ्री इक्वल पार्ट्स हों और उनमें से आप एक वन थर्ड पार्ट शेड करें। फॉर एग्जाम्पल, ये स्क्वायर है, इसके थ्री इक्वल पार्ट्स हैं, इसका एक वन थर्ड पार्ट हम शेड कर देंगे, तो ये हो गया वन थर्ड। ऐसे ही आपको बाकी की फिगर्स का कोई भी एक इक्वल वन थर्ड पार्ट शेड करना है। नंबर 4 है, शेड वन फोर्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सारी फिगर्स दे रखी हैं इनके फोर इक्वल पार्ट्स किए गए हैं और इनमें से कोई भी एक पार्ट आपको शेड करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रायंगल है, इसके फोर पार्ट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। कोई भी एक पार्ट आपको शेड करना है, तो ये हो जाएगा 1/4। इसके बाद है आपका पेज नंबर 85। 85 पर आपकी एक्सरसाइज 2 है, उससे पहले समझाया गया है फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन। फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑल्सो रिफर्स टू पार्ट ऑफ ए कलेक्शन और ए ग्रुप। फ्रैक्शन जो है वो कलेक्शन या ग्रुप को भी रेफर करता है। फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ 6 बॉल्स 5 आर कलर्ड। यहाँ पर 6 बॉल्स का कलेक्शन है, उसमें से 5 कलर्ड है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन फॉर कलर्ड बॉल्स, टोटल जो हमारा ग्रुप है वो नंबर हम नीचे लिखेंगे और जो शेडेड पार्ट है या शेडेड बॉल्स हैं वो हम ऊपर लिखेंगे, मींस 5/6। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आउट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 12 कार्ड्स 7 आर कलर्ड। यहाँ पर 12 कार्ड्स का कलेक्शन है जिसमें से 7 कलर्ड हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 7 कलर्ड हैं, लेकिन टोटल कार्ड्स कितने हैं? 7 तो यहाँ तक हो गया था, 8, 9, 10, 11 एंड 12, टोटल 12 कार्ड्स हैं, 12 में से 7 हमारे कलर्ड हैं, तो टोटल जितना है वो हम नीचे लिखेंगे और जितना कलर्ड पार्ट है वो हम ऊपर लिखेंगे, मीन्स 7/12। ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 2 करनी है। यहाँ पर आपको दे रखा है 1/6, 3/7 एंड 4/5। 1/6 का मतलब ये 6 ट्राइंगल्स का ग्रुप है, इसमें 1 शेडेड है, तो 1 जो शेडेड है वो ऊपर लिखा और टोटल जितने हैं वो नीचे लिखा। ऐसे ही इसमें 3/7 लिखा है, मींस टोटल बटरफ्लाइज 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें से आपको 3, कोई भी 3 बटरफ्लाइज कलर करनी है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, 4/5, मींस टोटल जो मैंगोज हैं वो 5 हैं, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो इसमें से 4 आपको कलर करनी है, कोई भी 4 मैंगोज कलर कर लीजिए या शेड कर लीजिए और टोटल नंबर नीचे आएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड चैप्टर इज कंप्लीट।